ट्रांसफार्मर क्या है? आप सबके घर में एक अप्लायंस यूज होता है जिसे आप कहते हैं स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर का काम है कि जब आपके घर वोल्टेज 200 से कम आ रहे हैं, लेस देन 200 आ रहे हैं, 180 आ रहा है, 160 आ रहा है, तो ये उसको बढ़ा करके 200 कर देता है। और कभी बाय द वे इत्तेफाक से मोर देन 220 आ जाए, 260 वोल्टेज आ जाए, 280 वोल्टेज आ जाए, तो ये उन्हें घटा करके 220 वोल्ट ले आता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने में लगाई जा यूज की जाती है। बल्कि इंक्रीज डिक्रीज हम नहीं कहते, इसे स्टेप अप या स्टेप डाउन कहते हैं। जो आपका स्टेबलाइजर है उसके अंदर बेसिकली एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है। उस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कुछ इस तरह किए जाते हैं कि जब लाइट आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं तो वो वोल्टेज को बढ़ा देगा, स्टेप अप कर देगा। जब वोल्टेज मोर देन रिक्वायर्ड आ रहे हैं तो वो उसी को घटा के स्टेप डाउन कर देगा। ठीक है, लिखते हैं इसे। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रिंसिपल लिखिए इसका, ट्रांसफार्मर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा देखिए, यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें एक प्रिंसिपल पूछा जाता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आपने लिख दिया एक वर्ड म्यूचुअल इंडक्शन, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपसे प्रिंसिपल का नाम नहीं पूछा जा रहा, आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो आपको म्यूचुअल इंडक्शन के साथ पूरी डेफिनेशन म्यूचुअल इंडक्शन की लिखनी पड़ेगी। समझ रहे बात? जब आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाए तो केवल वर्किंग प्रिंसिपल का नाम नहीं लिखना, आपको पूरा प्रिंसिपल आपको लिखना है। कहें तो यहां लिखाऊं? ये तो पहले ही म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता, आपने पहले लिख रखा है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर कॉइल मैग्नेटिकली कपल्ड कॉमा EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। एक रेक्टेंगुलर शेप की लैमिनेटेड आयरन कोर आपने बना ली, रेक्टेंगुलर शेप की, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप की, और क्योंकि ये पतली पतली स्ट्रिप्स से मिलकर के बनी हुई है इसलिए हम यहां ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये क्या बनी? ये बनी आपकी लैमिनेटेड आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। इसके एक आर्म पर आपने एक कॉइल लपेट दी, ठीक है, एक आर्म पे कॉइल लपेट दी, और दूसरे आर्म पर इस पर एक और कॉइल आपने लगा दी, और दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट रखे जाते हैं। आप देख रहे होंगे ध्यान से कि यहां मैंने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा बनाए या कम बनाए, करेक्ट। इन में से किसी एक कॉइल को, किसी एक कॉइल को आपने जोड़ दिया सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से। क्या है ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ? जिसे हम लिखते हैं E=E0 sin ωt। क्यों लिखते हैं? ये अगले लेसन में आने वाला जल्दी। ये एक ऐसा सोर्स है जो इस कॉइल में करंट तो भेजता है लेकिन कांस्टेंट करंट नहीं भेजता, वो करंट घटती बढ़ती रहती है। पहले ऐसे चलाएगा करंट को, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करेगा, फिर ऐसे चलाएगा, तो जब इसमें पास होने वाली करंट घटे बढ़ेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसने इंड्यूस करा है वो भी चेंज होगा। और ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसी कोर के अंदर से चलती हुई कहां पहुंच जाएंगी? सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचेगी। दिस इज प्राइमरी कॉइल, दिस इज सेकेंडरी, और जब सेकेंडरी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो यहां इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इन दोनों में से एक कॉइल जिसको आपने सोर्स से जोड़ा है इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। इस टाइम ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, और जिससे आपने जोड़ दिया यहां अपना लोड, लोड का मतलब जिस चीज को आपने चलाना है, ये कॉइल कहलाएगी सेकेंडरी कॉइल। फर्क कुछ भी नहीं है, इसको आप सोर्स से जोड़ दीजिए, इसे लोड से जोड़ दीजिए,
तो ये वाली प्राइमरी बन जाएगी, ये सेकेंडरी बन जाएगी। क्लियर है? इन दोनों कॉइल्स में से एक में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, एक में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं, राइट? अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी में ज्यादा है, तो ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। जितने वोल्ट आप अप्लाई करेंगे प्राइमरी पर, उससे ज्यादा वोल्ट आपको मिलेंगे सेकेंडरी पर। अगर आपके प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये बन जाएगा स्टेप डाउन, मतलब जितने वोल्ट आपने अप्लाई करे उससे कम आपको यहां मिलेंगे। कई बार हमें बढ़ाने होते हैं, कई बार वोल्टेज घटाने होते हैं। आपको सिर्फ अपना मोबाइल चार्ज करना, मोबाइल चार्ज करने के लिए चाहिए 5 वोल्ट, जस्ट 5 वोल्ट। 220 वोल्ट पे लगा दिया तो क्या होगा? तो यहां आपके घर में आ रहे हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट को घटाने पड़ेंगे, पहले 5 वोल्ट करने पड़ेंगे। तो इसे घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे आप, ठीक है? आपका जो ये टीवी है, ये वाला मॉनिटर मेरा, जो बड़े वाला टीवी होता है, इसमें एक जगह ऐसी भी है जहां लगभग लगभग 50,000 वोल्ट है। एक सर्किट ऐसा भी होता है जहां लगभग 50,000 वोल्ट डेवलप कर रहा है, आ रहे हैं 220 वोल्ट, वहां आप क्या यूज करेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। समझ आई बात? अब ये तो हुआ आपका ट्रांसफार्मर का सिंबल। ट्रांसफार्मर से दो तरह के ट्रांसफार्मर हो गए, एक स्टेप अप हो गया, एक स्टेप डाउन हो गया। तो हम सिंबॉलिकली ये सब ना बना के, अच्छा एक और तरीका इसका देखो, मैग्नेटिक कपलिंग के लिए आपने क्या करा, रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लिया, उसी फ्रेम के एक आर्म पर प्राइमरी लगा दी, दूसरे आर्म पर सेकेंडरी। कभी कभी ऐसा भी होता है यहां भी लगा दी जाती, यानी एक प्राइमरी होगी और सेकेंडरी 3-4 होंगी। कई सर्किट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहीं 12 वोल्ट चाहिए, कहीं 5 वोल्ट चाहिए। ये मेरा सर्किट काम कर रहा है, कहीं 12 वोल्ट है इसमें, कहीं 5 वोल्ट है। तो आपने एक सर्किट कॉइल बनाई जो 12 वोल्ट दे दे, दूसरी कॉइल आपने बनाई जो 5 वोल्ट दे दे, एक ही ट्रांसफार्मर से 2 वोल्ट मिल जाते हैं, 4-5 वोल्ट मिल जाते हैं। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि दोनों कॉइल को कंसेंट्रिक बना लिया जाए एक दूसरे के ऊपर। अभी देखिए ध्यान से, अलग अलग है दोनों ये, लेकिन अगर आप इन्हें कंसेंट्रिक बना लेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो मैग्नेटिक कपलिंग और भी अच्छी हो जाएगी, और भी अच्छी हो जाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए कोर थोड़ा सा डिफरेंट शेप का कोर लिया जाता है। होता ये भी रेक्टेंगल ही है, गलत बना दिया मैंने, ये आपका कोर है, ये आपका पूरा सॉफ्ट आयरन कोर है, लैमिनेटेड कोर है, पतली पतली पत्तियों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है? अब आपने क्या काम किया, एक कॉइल यहां, इसके जो बीच का सेंटर लेग है, इस सेंटर लेग के ऊपर आपने अपनी कॉइल बना दी। कौन सी कॉइल? प्राइमरी। उसके बाद आपने क्या करा, यहां पर एक पेपर लगाया, इसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया और कागज चढ़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसी के ऊपर आपने एक दूसरी कॉइल बना ली। ये कॉइल कौन सी हो गई? सेकेंडरी। तो क्योंकि यहां दोनों कोएक्सियल हैं, इसलिए अब मैग्नेटिक कपलिंग सबसे बढ़िया रहेगी। याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक कपलिंग कब सबसे बढ़िया है, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लगी हुई हो। इसमें एक दूसरे के साइड बाय साइड लगी हुई है, तो थोड़ा सा यहां कपलिंग इफेक्ट कम रहेगा। दोनों ही केस में वही है कि आपने एक में करंट पास करी ऑल्टरनेटिंग, उसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड ने दूसरी सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस कर दिया, ठीक है? बना लीजिए दोनों डायग्राम, ये भी और ये भी, दोनों ही डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए आ चुके हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ईपी इज इक्वल टू कितना होगा, डी फाइव बी बाई डी टी इंटू एनपी, डी फाइव बाई डी टी एक एक टर्न का और नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एनपी, और ई एस कितना होगा, सेम मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो ये जेम जो का क्यों रहेगा,
एनएस, तो ई एस अपॉन ई पी इक्वल्स वॉट एन एस अपॉन एन पी, ठीक है। और सस्टेंड करंट के लिए जितना ई एम एफ यहां इंड्यूस हुआ वो लोड वो पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए, इसे बाद में हम डिस्कस करेंगे। फॉर सस्टेंड करंट ई एस इक्वल होना चाहिए वी एस एंड ई पी इक्वल होना चाहिए वी पी, जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो अब आपके पास क्या बना, देखिए वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स एन एस अपॉन एन पी, लेकिन यहां एन एस अपॉन एन पी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन टू द प्राइमरी, ये कहलाता है आर। आर का नाम रखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। अब हम ये मान के चलें कि जितनी पावर हमने अप्लाई करी प्राइमरी पर एग्जैक्ट उतनी ही पावर हमें सेकेंडरी पर मिल गई, तो इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 100% एफिशिएंट, जो कि एक्चुअली होता नहीं है, तो फिर पावर अप्लाइड एट प्राइमरी इज इक्वल टू पावर ऑब्टेंड एट सेकेंडरी। तो पावर अप्लाइड कितना हो जाएगा बोलो, वीपी इंटू आईपी और ये वी एस इंटू आई एस। तो अब यहां से फिर से ले लो जरा रेशियो, वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू बन जाएगा आई पी अपॉन आई एस, और ये वाली सारी एक साथ मिलाकर रख दोगे जब आप, तो आपको निकल कर आएगा वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स आई पी अपॉन आई एस इक्वल्स एन एस अपॉन एन पी इक्वल्स आर, ये पूरा का पूरा सारा का सारा रेशियो बन गया, ठीक है। कीजिए अब ट्रांसफार्मर हमारे हैं दो तरह के, ठीक है, और ट्रांसफार्मर का सिंबल हम कैसे बनाते हैं, हम बनाते हैं एक कॉयल, ये कॉयल बनाई, एक और कॉयल बनाते हैं, ये कॉयल बनाई, और बीच में इस तरह की दो तीन लाइनें बना देते हैं जो इनके बीच मैग्नेटिक कपलिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी कौन सी है सेकेंडरी, ये कौन सी प्राइमरी, तो ये आपका बनेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, स्टेप अप वोल्टेज को बढ़ाने वाला, जितने वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे प्राइमरी पर उससे ज्यादा आपको मिलेंगे सेकेंडरी पर। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन वन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वोल्टेज एट सेकेंडरी इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट, तो जहां वोल्टेज ज्यादा वहां करंट कम, करंट इन सेकेंडरी लेस देन करंट इन प्राइमरी, और जहां करंट ज्यादा होगी वो मोटे तार का यूज करेंगे कॉयल, और जहां करंट कम होगी वहां पतले तार की। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें इसमें आपको जो प्राइमरी बनानी है, प्राइमरी कॉयल आपको बनानी है विद थिक वायर, और जो सेकेंडरी होगी वो आपको बनानी है थिन वायर से, करेक्ट। ये तो हुआ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे बनाएंगे, बिल्कुल यही सब कुछ आपको बनाना है। ये आपकी मैग्नेटिक कपलिंग हो गई, सेकेंडरी कॉयल में आपकी कम और प्राइमरी कॉयल में आपके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ज्यादा, तो फिर अब ये कौन सा हो गया, ये बन गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेस देन वन है, नंबर इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वोल्टेज एट सेकेंडरी इज लेस देन द वोल्टेज एट प्राइमरी, तो फिर करंट इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन करंट इन प्राइमरी। तो यहां आपकी जो प्राइमरी है, प्राइमरी इज वाउंड विद थिन वायर, है ना, और यहां से जो सेकेंडरी है इट इज वाउंड विद थिक वायर, करेक्ट। बना लीजिए दोनों फटाक से, इसमें थोड़ा सा और बना लीजिए। प्राइमरी वो है जहां आपने एक्चुअली लगाया है ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ आपने लगाया है। वैसे ट्रांसफार्मर को कुछ नहीं पता होता कौन सी प्राइमरी कौन सी सेकेंडरी, ये तो आपके यूज करने के ऊपर बात है। जहां आपने अपना लोड लगा लिया वो सेकेंडरी बन जाएगी, और जहां आपने अपना सोर्स लगा दिया वो प्राइमरी बन जाएगी,
तो यहां लोड और फोर्स आप और बना लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल को थिन वायर से क्यों लपेटते हैं, क्यों बनाते हैं। आपने सीधा लिखना है कि स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में करंट कम है, सेकेंडरी में करंट ज्यादा है, तो जहां करंट कम है उसको हैंडल करने के लिए पतला तार काफी है, जहां करंट ज्यादा है उसे हैंडल करने के लिए मोटा तार चाहिए। ठीक, करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर की डिफरेंट चाहिए। ओके, इसके बाद हम आते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी मशीन है, आप जितना मशीन के लिए वर्क करते हैं मशीन आपके लिए उतना वर्क नहीं करती। आप सिंपली अपने घर में हैंडपंप खींचते हैं, उसमें से आवाज निकलती खटर खटर, वो आवाज एनर्जी कहां से आ रही है? जो वर्क आपने किया है हत्ती पर उसका कुछ पार्ट साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा वर्क पानी खींचने में यूज नहीं हो रहा। कुछ वर्क, कुछ एनर्जी जो आप देते हैं मशीन को, उसमें से कुछ पार्ट एनर्जी का कन्वर्ट हो जाता है अननेसेसरी काइंड ऑफ एनर्जीज में ड्यू टू सम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, फ्रिक्शन है या और दूसरी फोर्सेज है। ट्रांसफार्मर भी एक मशीन है, जितना आप अप्लाई करेंगे प्राइमरी पर उतना एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, सेकेंडरी पर कुछ ना कुछ उसमें से घट जाएगा। तो वो क्यों घट जाता है, कैसे घट जाता है? कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जिस वायर से बनाई है उस वायर का कुछ ना कुछ अपना ओमिक रेजिस्टेंस होता है। कितनी भी बढ़िया कंपनी का लियाओ तार, ओरिजिनल लियाओ, लेकिन कॉपर वायर भी अगर है तो भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और रेजिस्टेंस जब ऑफर करता है तो आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग उसमें पावर डेसिपेट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दूसरा रीजन यह है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है प्राइमरी, एग्जैक्टली सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी से लिंक नहीं हो पाता। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कैसे भी बढ़िया बना लो, कुछ ना कुछ लीकेज जरूर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। और जब लीकेज हो जाती है तो जितना आपने किया है प्राइमरी पर उतना आपको नहीं मिलेगा सेकेंडरी पर। बड़ा कॉज क्या है? एडी करंट्स, अननेसेसरी यहां एडी करंट्स डेवलप होती हैं कोर के अंदर, जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती रहेंगी। देखिए, जो पहला कॉज था रेजिस्टेंस वाला, वो कॉइल गर्म होना है, वो है कॉइल गर्म होना, लेकिन एडी करंट से कौन गर्म हो जाएगा? जिस कोर के ऊपर आपने इन्हें लपेटा हुआ है। और कम कैसे करेंगे इसे? लैमिनेटेड कोर करके, या पाउडर्ड आयरन कोर लेते हैं, या फिर उससे भी ऊपर फेराइट कोर ली जाती है। और इसका एक और लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस आपने पढ़ा था पीछे, हिस्टेरिसिस कर्व, कि आप जब किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होने पर भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। जब आप अपोजिट थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है। तो हर बार अपोजिट वाली मैग्नेटिक फोर्स आपके पिछले बचे हुए मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म को रिड्यूस करने में खत्म हो जाएगी कुछ पार्ट। अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक सेकेंड में 50 बार ये कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज किया जाता है ट्रांसफार्मर में, एक सेकेंड में 50 बार। तो क्या होगा, हर बार जब साइकिल कंप्लीट होगी तो आपने जो प्राइमरी पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई की है उसका कुछ पार्ट बचे हुए मैग्नेटिज्म को रिड्यूस करने में खत्म हो जाएगा, इसे कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। ये सारे लॉसेस मिलकर के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को डाउन कर देते हैं। जितना आपको प्राइमरी पर आप वर्क करते हैं उतना आप सेकेंडरी पर आपको नहीं मिलता। अबाउट 60-80% एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की। घटिया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर 60% ही दे पाता है जितना हम अप्लाई करते हैं, और बढ़िया क्वालिटी का ट्रांसफार्मर 80% तक देता है। लिखते हैं हम इसमें लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, नंबर वन, जूल्स हीटिंग इफेक्ट, आई स्क्वायर आर वाला, लिखिए, द वायर यूज टू वाइंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफर ओमिक रेजिस्टेंस, इट कन्वर्ट आई स्क्वायर आर पावर इंटू अननेसेसरी हीट, दिस लॉस्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग कॉपर वायर,
दिस लॉस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर. नेक्स्ट लिखते हैं हम मैग्नेटिक लॉस. द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय प्राइमरी इज लॉस्ट फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर. इट डिक्रीज द मैग्नेटिक कपलिंग कोफिशियंट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग. इट इज रिड्यूस्ड बाय वाइंडिंग टू कॉइल्स को एक्सियली वन ओवर द अदर ऑन टू सेंट्रल लेग ऑफ ई आई कोर कैपिटल ई कैपिटल आई ई आई कोर. लॉस ड्यू टू एडी करंट. ट्रांसफार्मर इज यूज विद एसी सर्किट्स ओनली. द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड कीप्स ऑन चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिकली. दिस वेरिएबल इंड्यूस्ड एडी करंट इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर. इट कॉज कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टू अननेसेसरी हीट. दिस लॉस इज रिड्यूस्ड बाय मेकिंग लेमिनेटेड कोर. लास्ट लॉस हिस्टीरिसिस लॉस HYSTERESIS. लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई लैग बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H. LAG लिखना लैग बिहाइंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स H. ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू द एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस कर्व गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनवांटेड हीट. दिस लॉस इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन एज कोर मटेरियल. आपको याद होगा हिस्टेरिसिस कर्व में हमने जो बनाया था ये एक्स एक्सिस पर लिया था आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स H और वाई एक्सिस पर लिया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, तो यहां जो सॉफ्ट आयरन के लिए ये कर्व है इट एनक्लोज वेरी स्मॉल एरिया. मतलब एक बार पूरी तरह से मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने की कंप्लीट साइकिल में आपको कम वर्क करना पड़ेगा. वर्क मतलब वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन अगर आप स्टील लेंगे तो आपको बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा. इसलिए जहां भी आपको वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है और आपको कोर बनाना है तो कोर आप बनाएंगे सॉफ्ट आयरन की. अपने आप में एक दो नंबर का क्वेश्चन है ये कि ट्रांसफार्मर में कोर मटेरियल ऑफ कोर सॉफ्ट आयरन ही क्यों लिया जाता है. आपको क्या लिखेंगे, फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन एरिया एनक्लोज्ड बाय हिस्टेरिसिस कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन इज वेरी स्मॉल एंड हेंस स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. अगर आप स्टील का बना लेंगे तो बहुत तगड़ा गर्म हो जाएगा, बहुत मुश्किल से मैग्नेटाइज होगा, बहुत मुश्किल से ही वापस डीमैग्नेटाइज होगा. क्लियर है, आपका ट्रांसफार्मर यहां